हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। ये हमारा AVS सब्जेक्ट है और आज हम लोग पढ़ेंगे AVS। आप लोग अच्छे से हैं ना? ओके गुड। चलिए ना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा चैप्टर है 2 हेल्दी हैबिट्स। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं है ना, और आज हम लोग क्वेश्चन आंसर उसका लिखेंगे। ओके चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय गुड हेल्थ? आंसर होगा, गुड हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड फ्री फ्रॉम इलनेस। मतलब वह स्थिति है, गुड हेल्थ अच्छी स्थिति, वह स्थिति है अच्छा स्वास्थ्य, वह स्थिति है जिसमें हमारा शरीर बीमारियों से मुक्त रहे और हम फिट एंड फाइन रहे, है ना। देखिए ये पिक्चर है ना, इसमें देखिए गर्ल कितनी फिट है, एक्सरसाइज कर रही है ना। उसी तरह से ये सारे बच्चे भी देखिए, सारे कितने अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, मतलब कि ये फिट है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, What should we do before and after every meals? हमें खाना खाने से पहले और बाद में क्या करना चाहिए? हमारा आंसर होगा, We must wash our hand well with soap before and after every meals। मतलब जब भी हम खाना खाएं, हमें ज़रूर से अपने हाथों को साबुन से अच्छे से वॉश करना चाहिए, है ना। देखिए ये बॉय देखिए अच्छे से अपने हैंड को वॉश कर रहा है ना, ऐसे ही आपको भी करना चाहिए। और देखिए यहाँ पे भी अच्छे से हैंड को वॉश करा जा रहा है साबुन से, और फिर हैंड को पोछ रहे हैं ना, उसके बाद ही खाना खाते हैं, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, अ बैलेंस्ड डाइट इज़ अ वन दैट कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। मतलब बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार वह है जिसमें हमारे खाने में सारा न्यूट्रिएंट्स, मतलब ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद हों, है ना। और वो कैसे होंगे, जब हम खाना अच्छे से खाएंगे, सारे प्रॉपर रूप से वेजिटेबल्स खाएंगे, है ना, और सारे खाना खाएंगे जो मम्मा खाना बनाती हैं। देखिए रोटी सब्जी दाल चावल ग्रीन सब्जियां, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है, वाई शुड वी नॉट ईट टू मेनी चॉकलेट और आइसक्रीम्स? हमें बहुत ज़्यादा चॉकलेट आइसक्रीम क्यों नहीं खाना चाहिए? आंसर होगा, We should not eat too many chocolate or ice cream because they might cause tooth decay and sore throat. मतलब कि हमें ज़्यादा चॉकलेट और आइसक्रीम खाएंगे, देखिए बच्चा कैसे खा रहा है चॉकलेट और आइसक्रीम, खा रहा है ना, तो इसको ये चॉकलेट भी खा रहा है, उससे दांत क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है ना। तो आंसर होगा यही कि हमारे दांत जो है पूरे ख़राब हो जाएंगे और गले में खराश हो जाएगी, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए कैसे प्रॉब्लम हो रही है दांतों में, है ना, ऐसे ही सारे बच्चों को हो जाती है जो ज़्यादा चॉकलेट और आइसक्रीम खाते हैं, दांत ख़राब हो जाते हैं हमारे, ठीक है। देखिए सबको समझ में आ रहा है ना अच्छे से, गुड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज़ द पोस्चर, आसन क्या है? हाउ शुड वी कीप आवर बैक वाइल स्टैंडिंग और सिटिंग? कैसे हम अपने बैक को सीधे रख सकते हैं जब भी हम खड़े होते हैं और बैठते हैं? आंसर होगा, पोस्चर इज़ द बॉडी कंडीशन एट द टाइम ऑफ सिटिंग और स्टैंडिंग। मतलब जब हम अच्छे तरीके से बैठते और खड़े होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, पोस्चर बोलते हैं ना, हमारा शरीर जब अच्छे से खड़ा और बैठता है। वी शुड कीप ऑलवेज स्ट्रेट आवर बैक वाइल सिटिंग और स्टैंडिंग। हमें अपने बैक को यानी हमारी पीठ को हमेशा सीधा सीधा रखना चाहिए जब भी हम खड़े हों और बैठते हो, ठीक है। तो ये अच्छा सा पोस्चर होगा और हमारा शरीर, हमारा जो हमारा बैक होता है यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सीधे रहती है ना, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है कैसे अच्छे से बैठना चाहिए, जो गलत तरीका है उससे क्रॉस लगा हुआ है, जो अच्छा तरीका है उस पर राइट कनेक्शन लगा है ना। ये देखिए सबको समझ में आ गया होगा ना। ओके ये देखिए हमारा आज का क्लास थी और आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर।